हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वॉइस सर्च लेक्चर। आज मैं आपको क्लास 9 से ट्राइंगल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में दिया है ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलस ट्राइंगल्स। ट्राइंगल एबीसी ये वाला और डीबीसी ये वाला दोनों आइसोसेलस ट्राइंगल है। आइसोसेलस ट्राइंगल है मतलब दोनों की ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर? आइसोसेल्स की एक प्रॉपर्टी होती है ऑन द सेम बेस बीसी, दोनों सेम बेस बीसी पर पड़े हुए हैं। एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी, और जो वर्टिसेस ए और डी हैं वो बीसी के सेम साइड है, मतलब बीसी के दोनों ऊपर हैं, या तो दोनों ऊपर होते हैं या दोनों नीचे, ऊपर हैं दोनों यानी कि सेम साइड। इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी, अगर आपने ए डी को एक्सटेंड किया तो वो बीसी को पी पॉइंट पर मीट कर रहा है। ठीक, शो दैट, आपको शो करना है ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट होगा, ए बी डी और ए सी डी। क्लियर फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, चार पार्ट्स हैं हमें प्रूव करने हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हमें क्या लिखते हैं, हम गिवन, सही है? गिवन में हमें देखिए क्या दिया है, आप इतना लिख लीजिएगा गिवन में कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीबीसी हमें दो आइसोसेल्स ट्राइंगल दे रखे हैं। तो हम इनसे ये भी लिख सकते हैं कि हमें दिया है ए बी ए सी के इक्वल है एंड डी बी डी सी के इक्वल। हम ये भी लिख सकते हैं ए बी ए सी के इक्वल है और डी बी डी सी के, क्योंकि ये गिवन में है, हमें आइसोसेल्स है ना, इसीलिए। चलिए गिवन में बहुत है। और देखिए टू प्रूव जो है वो बार बार चेंज होता रहेगा। अब मैं पहला प्रूव कर रहा हूं तो अभी पहले ही लिखूंगा ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है फ्रेंड्स, हमें यही तो करना है, ए बी डी को ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक, और कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं है तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे। प्रूफ देखिए, आपको जिन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होता है हम पहले उन्हीं ट्राइंगल्स को मेंशन करते हैं। हमें ए बी डी और ए डी सी को कॉन्ग्रुएंट करना है तो लिख लेंगे हम इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। सही है, यही दोनों तो लेने हैं, ए बी डी ए सी डी। अब इनमें कोई वो तीन फैक्टर्स फाइंड कीजिए जिनसे ये कॉन्ग्रुएंट होगा। कौन कौन से? ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, कहां से आया? गिवन है, दिया है ऊपर, ये रहा। दूसरा बी डी डी सी के इक्वल है, बी डी डी सी के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। सही है, बी डी डी सी के गिवन है। तीसरा आप देख सकते हैं AD जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में भी है इसमें भी, तो AD को मैं कॉमन लिख सकता हूं, यानी कि AD इज इक्वल्स टू DA, ये आ गया आपका कॉमन। सही है, AD DA के इक्वल है कॉमन। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, ये भी साइड, फिर ये साइड और फिर ये साइड, एस 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 यहां लिख देता हूं। इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं देयरफॉर ट्राइंगल ABD congruent to triangle ACD, और रीजन में क्या लिखेंगे आप, एस 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 रूल। सही है, ट्रिपल एस से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, पहला पार्ट प्रूव हो गया ये वाला। अब आगे चलते हैं, अब आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, मैं इसे रब कर देता हूं फिलहाल में। पहला पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है, और यहां से मैं गिवन को भी हटा देता हूं, जरूरत नहीं है गिवन की हमें, क्योंकि अब आपको पता तो चल ही गया है कि हाँ भाई दो ट्राइंगल्स जो हैं यहाँ पे आइसोसेल्स दिए हुए हैं। सही है, चलिए नेक्स्ट। अब सेकंड का है, तो देखिए सेकंड का मैं टू प्रूफ लिख नहीं रहा हूं, क्यों नहीं लिख रहा, यह लिखा हुआ है यहां से हम लोग देख लेंगे। सही है, सीधे आते हैं हम लोग प्रूफ पर। आप लोग अगर करें इसको प्रूफ तो आप टू प्रूफ लिख लीजिएगा इस चीज को कि हमें ए बी पी को ए सी पी के कॉन्ग्रुएंट लाना है। ठीक, बट मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहां लिखा हुआ आप देख सकते हैं। देखिए ए बी पी कहां है, ये रहा ए बी पी और ए सी पी, ये रहा। सही है, ये दो ट्राइंगल्स है, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। स्टार्ट करें तो देखिए, सबसे पहले इन ट्राइंगल्स को मेंशन करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। ठीक है फ्रेंड्स, विजिबिलिटी तो क्लियर होगी। ठीक, ए बी पी और ए सी पी, ए बी पी और ए सी पी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है, मेंशन कर दिया। अब देखिए वो तीन फैक्टर्स इसमें, ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है,
गिवन, सही है, गिवन ही तो है कि ABAC के इक्वल है। दूसरा आप देख सकते हैं AP, पूरा देखिए AP, मैंने ट्राइंगल कौन से लिए, ABP और ACP, ABP ये वाला बड़ा वाला और ACP, तो इसमें AP कॉमन आ रहा है, देख लो AP इज इक्वल टू PA, AP इज इक्वल टू PA कॉमन, सही है फ्रेंड्स, AP PA के इक्वल है कॉमन। अब तीसरा फैक्टर कौन सा चाहिए, जो तीसरा फैक्टर मिल जाए जिससे हम अपना काम कर सकें, तो देखो ध्यान से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। इक्वल क्यों है, क्योंकि अभी अभी मैं प्रूव कर चुका हूं कि ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, और अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो भाई सीपीसीटी एंगल इसके इक्वल नहीं होगा। भाई हम फर्स्ट पार्ट प्रूव किए थे एबीडी और एसीडी को, एबीडी और एसीडी अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसके इक्वल होगा भाई सीपीसीटी, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि एंगल क्या नाम है इसका, बीएपी। अच्छा एक चीज और, इस वाले एंगल को मैं बी ए डी बोल सकता हूं, चाहे बी ए पी, एक ही बात है, मतलब इससे नहीं है कि खत्म कहां पर हो रहा है, मतलब यह कि एंगल कौन सा लिया जा रहा है, आप बी ए डी बोलो चाहे बी ए पी बोलो, एंगल आपका यही आ रहा है, सही है। तो इसीलिए मैं इसको, जब मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्वर्ट किया था तो ये इसके इक्वल है, तो आप सोच सकते हैं कि फिर बी ए डी क्यों नहीं लिखा, कुछ भी लिख लो, तो मैं पूरा बी ए पी लिखूंगा क्योंकि मुझे ट्राइंगल्स मैंने यही वाले लिए, ठीक है। एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी, देख लो बी ए पी इज इक्वल टू सी ए पी, रीजन देना पड़ेगा पूरा, क्यों, सिंस, क्या क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया है कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी, क्योंकि ए बी डी ट्राइंगल ए सी डी का कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए ये रख, इसीलिए हमने ये लिखा बाय सी पी सी। क्लियर, अब देखो फैक्टर्स कौन कौन से मिले, पहली मैंने साइड ली है, देख सकते हो आप ए बी एक साइड ली, फिर ये एंगल लिया, और फिर ए बी पूरी साइड ली, एक बार और दिखा देता हूं, ए बी साइड ली, फिर ये एंगल लिया, और फिर ए बी साइड ली, तो कौन सी बन गई, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, देयरफोर जो ट्राइंगल है ए बी पी वो कॉन्ग्रुएंट है, ए बी पी तो लेना था, ए बी पी ए सी पी का बाय एस ए एस रूल, ठीक है फ्रेंड्स, साइड एंगल साइड से ए बी पी और ए सी पी दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, मेरा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, ठीक। चलो आगे चलते हैं, देखो वैसे मुझे जरूरत तो और चीजों की भी है, तो मैं आपको चाहे तो थर्ड में दिखा दूंगा, या आप एक चीज अभी देख लो, देखो जब ए बी पी और ए सी पी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ बी पी इज इक्वल टू पी सी, लिख सकता हूँ कि नहीं, सो बी पी इज इक्वल टू पी सी बाय सी पी सी पी। अब आप ध्यान रखिएगा, क्यों पता है, क्योंकि इसकी जरूरत बाद में मुझे पड़ेगी, और मैं आपसे यही कहूंगा कि प्रूफ डबअप, मैं प्रूफ कर चुका हूं, तो आप ध्यान रखना कि मैं बीपी को पीसी के इक्वल कर चुका हूं, बीपी पीसी, वैसे मैं दोबारा याद दिला दूंगा आपको, ठीक है, एक्चुअली थर्ड और फोर्थ पार्ट में फिर से इसकी जरूरत पड़ेगी। बीपी पीसी के इक्वल क्यों होगा, बीपी पीसी के इक्वल बाय सीपीसीटी होगा, क्योंकि एबीपी ट्राइंगल एपीसी के कॉन्ग्रुएंट कर दिया ना ये रहा, इसीलिए तो ये दोनों सीपीसीटी से बीपी पीसी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं इसे तो यहां से रब करता हूं, और थर्ड पार्ट देखेंगे अब आप, इसको आप फिर से वही वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रूफ, अब थर्ड पार्ट का देखेंगे फ्रेंड्स, देखिए एपी बाइसेक्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, क्या मतलब है इसका, कि एपी जो है वो एंगल ए और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए तो पहले से ही बाइसेक्ट हो रहा है, हमने प्रूफ कर दिया, क्यों, क्योंकि मैंने इस एंगल को इसके इक्वल दिखा दिया, सही है, मुझे एंगल डी को और दिखाना है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, लेकिन पहले तो ऊपर वाले को मेंशन कर दो, कैसे, कि एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी, एंगल बी ए पी और एंगल सी ए पी इक्वल है, क्यों इक्वल है, प्रूव्ड अबव, चाहे तो प्रूव्ड अबव लिख लो, या ये लिख लो कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, एक ही बात है, ठीक है, हमें बस इक्वल दिखाना है कैसे भी, तो ये एंगल इसके इक्वल है, प्रूव्ड अबव, मैं ऊपर प्रूव करके आ चुका हूं इसीलिए मैंने लिखा, सही है। तो जब ये एंगल इसके इक्वल है, इसका मतलब ए पी जो है एंगल ए को तो बाइसेक्ट कर रही है। अब बात आती है डी की, तो देखो डी एंगल का मतलब है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है,
और ये एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है, तो इनके लिए कौन से दो ट्राइंगल्स लूंगा? लिखिए एन ट्राइंगल बी डी पी एन ट्राइंगल सी डी पी, बी डी पी और सी डी पी, बी डी पी और सी डी पी, ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। चलिए देखिए इधर कौन कौन किस किस के इक्वल है। बी डी जो है वो डी सी के इक्वल है, कहां से आया? गिवन, सही है, बी डी डी सी के इक्वल है, ये हमें दिया है, गिवन में ही तो था। अच्छा एक चीज और क्या ले सकते हैं, डी पी इज इक्वल टू पी डी, दोनों क्या है कॉमन, ठीक है फ्रेंड्स। बी डी जो है ये वाला, सॉरी डी पी डी पी, डी पी जो है वो पी डी के इक्वल है क्योंकि कॉमन है। और एक चीज और देखो आप ध्यान से, इसमें बी पी पी सी के इक्वल है, बोल रहा था मैं आपसे जरूरत पड़ेगी बी पी को, इसीलिए बी पी पी सी के इक्वल है। कहां से आया? अब आप लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, अभी अभी आपको ध्यान हो तो सेकंड पार्ट जब मैं करा रहा था, बाकी मैं आपको फिर से ध्यान दिला देता हूं। ये जो एबीपी और एसीबी प्रूव किया है ना, एबीपी और पीसी, अभी अभी किया है ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो यहां से मैंने बताया था बीपी पीसी के इक्वल होगा बाय सीपीसीटी, वही मैंने यूज किया है, बीपी पीसी के इक्वल है प्रूव्ड अबव, लेकिन मैं लिखूंगा प्रूव्ड अबव क्योंकि मैंने सेकंड पार्ट में से प्रूव कर दिया है। ठीक, आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो मुझे तीन फैक्टर्स मिल गए, साइड ली, फिर मैंने ये डीपी फिर से मैंने साइड ली है, और फिर मैंने ये साइड ली है, यानी कि एस 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 से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल बी डी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी पी बाय एस 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 रूल, आप लिख लीजिएगा आगे रूल, बी डी पी और सी डी पी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है सो एंगल बी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी, सही है, बी डी पी ये वाला एंगल जो है सी डी पी के इक्वल होगा बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी से, सही है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और अगर ये दोनों ये एंगल इक्वल होंगे, इसका मतलब क्या है कि ए पी जो है वो इस एंगल डी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट, तो आप लिख दीजिएगा लास्ट में, देयरफॉर ए पी bisects angle A as well as angle D, क्यों भैया? क्योंकि A को तो ये दिखा दिया मैंने ऊपर, और D को मैंने ये दिखा दिया, देखो ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये जो जो AP है वो एंगल A और D को bisect कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पे अभी, लेकिन अभी रुकना नहीं है क्योंकि अभी थर्ड पार्ट प्रूव हुआ है, ठीक है। चलो देखिए फोर्थ पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम अब मैं सिर्फ कर देता हूं, आपको और कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहां पे इसका आंसर दे दूंगा, अगर कोई चीज समझ में आपको ना आए तो, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट देखेंगे जल्दी से, देखिए एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ये आपको प्रूव करना है कि एपी जो है वो बीसी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसमें दो वर्ड छुपी है फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी, मतलब बीसी को आपको एक तो बाइसेक्ट होता हुआ दिखाना है कि बाइसेक्ट हो रही है, और एक ये दिखाना है कि एपी जो है बीसी पर परपेंडिकुलर है, मतलब आपको यहां पर 90 डिग्री शो करना है, सही है। एपी बीसी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब यहां 90 भी बना रही है और इसे बाइसेक्ट भी कर रही है। देखो भैया एक प्रूफ तो मैं पहले ही कर चुका हूं बाइसेक्ट वाला, BPPC के इक्वल प्रूफ किया था, अभी दो बार बता दिया BPPC के इक्वल था, तो वो तो भाई BC bisect, तो लिख दो पहले ही BP is equals to PC, कहां से आया proved above, दो बार किया, सेकंड पार्ट में भी किया था, थर्ड पार्ट में भी बताया था, ठीक है। BPPC के इक्वल है, BPPC के इक्वल है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं, और अगर ये दोनों इक्वल है तो BC तो बाइसेक्ट हो गए, अब बस परपेंडिकुलर की बारी है, ध्यान से देखना। अभी अभी मैंने आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके दिखाया था, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए थे मैंने BDP और PCD जब इस एंगल को इक्वल किया था, करा था, फिर से मैं उसी का यूज करूंगा। कैसे? देखो एंगल, अच्छा एक बात बताओ, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल BPD इज इक्वल टू एंगल CPD, सही है, BPD और CPD ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, रीजन देना पड़ेगा लेकिन क्यों इक्वल होंगे, आप लिखेंगे सिंस, क्योंकि ट्राइंगल BDP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDP, सही है फ्रेंड्स,
बीडीपी और सीडीपी अभी मैंने कॉन्ग्रुएंट किए थे, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा बाय सीपीसीटी। क्लियर, इतना बहुत है लिखने के लिए। अब लेकिन आप एक देखिए कि एंगल बीपीडी बीपीडी प्लस एंगल सीपीडी इज इक्वल्स टू कितना होगा 180 बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं होगा लीनियर पेयर से, बीपीडी का और सीपीडी का दोनों का सम 180 हो गया। लेकिन मैं यहां से सीपीडी को एंगल बीपीडी लिख दूं तो कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने? क्यों, मैंने बीपीडी को सीपीडी का देखो इक्वल कर रखा है, तो मैंने इस वाले सीपीडी को यहां पर रिप्लेस कर दिया बीपीडी से। इस सीपीडी की वैल्यू मैंने बीपीडी जो है यहां पर रिप्लेस कर दी, यहां सीपीडी आ रहा था ना तो बीपीडी डाल दिया, क्योंकि मैंने ऊपर प्रूव कर दिया। क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल बीपीडी। क्यों, अरे भैया एंगल बीपीडी और एंगल बीपीडी ट्वाइस ही तो हो गए और टू से ये कैंसिल हो गया, तो एंगल बीपीडी कितना आ गया 90 डिग्री। सही है, टू से ये 180 कैंसिल हो गया तो बीपीडी कितना आ गया 90, और अगर बीपीडी 90 है तो सीपीडी भी 90 है। क्यों, दोनों इक्वल है ये रहे, यानी कि यहां से ये एंगल बीपीडी ये वाला ये 90 आ चुका है, है ना। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफोर एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। सही है, देख लो एक बार, एपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगी, बाइसेक्ट तो ये दिखा दिया मैंने इक्वल और परपेंडिकुलर ये दिखा दिया 90। इस तरीके से जो एपी बीसी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई, और ये था इसका चौथा प्रूफ। तो फ्रेंड्स ये था फर्स्ट क्वेश्चन के चारों प्रूफ, ऐसे करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आप मेरी सारी वीडियोस देख सकें। और अगर कोई वीडियो नहीं मिल पा रही है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको वहां पे वीडियोस मिल जाएंगी। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक्स।